हिंदी के लिए सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे उच्चारण स्थान बिंदु पर, जो कि कई परीक्षाओं में उच्चारण स्थान से संबंधित एक या दो प्रश्न निश्चित तौर पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, उच्चारण स्थानों की बात करते हैं, फिर बात करेंगे वर्णों की, कौन कौन से वर्ण जो किन किन उच्चारण स्थानों से बोले जाते हैं। सबसे पहले देखो, हमारे गले की संरचना कुछ इस तरीके से बनी हुई है कि सबसे पहले हमारे कंठ आते हैं यहां पर, ये कंठ, उसके बाद कंठों से थोड़ा आगे चलते हैं तो तालु आता है, इसे हम तालवा बोलते हैं। तालु के बाद में मूर्धा, जो दांतों और तालु के बीच का जो हिस्सा है वो कहलाता है मूर्धा। फिर इसके बाद में उसके तुरंत आगे हमारे दांत आ गए, फिर दांतों के बाद में ओष्ठ, होंठ, इनके बारे में तो आपको सबको पता है ही। और इसके बाहर आते हैं हमारे आते हैं नासिका, मुख्यतः यहीं तक ध्यान रखना आपको। कंठ आ गए, फिर तालु आ गया, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। ये क्रम से जिस तरीके से संरचना बनी हुई है हमारे शरीर की, गले की, मुख की, उसी तरीके से वर्णों की संरचना देख लीजिए। स्वरों के अंदर सबसे पहले क्या आता है, ए या आ, और बाद में क वर्ग। तो ए आ से स्वरों की शुरुआत होती है, वर्णों की शुरुआत होती है ए आ, और फिर बाद में क वर्ग, तो वो बोले जाएंगे कंठ से। तो सबसे पहले ए आ आया, क वर्ग आया, तो वो बोले जाएंगे कंठ से। पहला उच्चारण स्थान हो गया कंठ। इसके साथ में विसर्ग का भी कंठ से होता है, और इनकी वर्ण ध्वनि पूछे तो उनको आप कह दोगे कंठे। फिर उसके बाद में उच्चारण स्थान क्या आता है कंठ के बाद में, तालु। तो कैवर के ए आगे बाद में फिर आता है ई, ई कैवर के बाद में चैवर। और आपको पता होगा अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, यर लवे होते हैं, तो इधर ये आ जाएगा सबसे पहले, फिर उष्म व्यंजन स, तो ई ई चैवर और यस, यस ये बोले जाएंगे तालु से, इनका वर्ण ध्वनि हो जाएगी तालव्य। फिर उच्चारण स्थान में बात आते हैं तो तालु के बाद में आता है मूर्धा। इधर देख लीजिए, चैवर के बाद में टैवर्ग आ गया, और ये के बाद में र, और इस स के बाद में ये षटकोण वाला स, ये बोले जाएंगे मूर्धा से। और ई के बाद में सिर्फ यहां पर उ उ को छोड़ना, यहां पर उ के बाद में री आता है, तो री, री टैवर्ग र स, ये मूर्धा से, और इनको वर्ण ध्वनि हो जाएगी मूर्धन्य। फिर इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं मूर्धा के बाद में दंत आते हैं हमारे, दंत से तैवर्ग। जब भी आप तैवर्ग बोलोगे आपकी जो जीव है दांतों की स्पर्श करेगी, तय थ द, तो तैवर्ग। और इधर क्रम चल रहा था हमारा अंतस्थ व्यंजन का और उसमें व्यंजन का, ये र के बाद में ल, और इधर स स स, ये हो गया, और ये दंत से हो जाएंगे, तो तैवर्ग और लस, यूं कहें यस रस लस, ऐसे क्रम हो जाएगा यस रस लस। पांचवा उ उ और पैवर्ग, ये हो जाएगा ओष्ठ यानी होट। अब आप बोलोगे उ पै फ, तो होठों का प्रयोग हो रहा है, ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है यहां पे, तो छोटा और बड़ा उ और पैवर्ग ये हो जाएंगे ओष्ठ से, और इनकी वर्ण ध्वनि हो जाएगी ओष्ठ। और नीचे देखिए अंग है, अंगे ये ण न, जो कि हर एक वर्ग के आखिरी वर्ण है, तो वहां पर भी ये उस उच्चारण स्थान में भी आएंगे। और नासिका, अगर विकल्प में कहीं नासिका हो और वो नहीं आए, तो यहां पर ये नासिका से भी बोले जाते हैं, तो इन्हें नासिके वर्ण भी कहा जाता है। अब बात आती है ए और आई की, रीत तक पहुंच गए थे, उ हो गया ए और आई। अब इसमें ए पता आपको किससे मिलकर बनता है, ए धन इसे मिलकर बनता है, आपके ए बन जाता है। तो ए की कौन सी, कहां से उच्चारण स्थान, ए का उच्चारण स्थान कंठ, ए का उच्चारण स्थान कौन सा है, ये रहा आपके तालु। तो ए और ई मिलने से ही तो ए बना है, तो कंठ और तालु, तो हम कह देंगे कंठ तालव्य। इसके बाद में ओ आओ, अब ओ देखो ए धन उसे मिलकर बनता है ओ, तो ए का उच्चारण स्थान हो गया कंठ, उ का स्थान उच्चारण स्थान हो गया ओष्ट, अभी हमने पढ़ा था, और ए उ मिलके ओ बनता, तो ये आपके हो गया कंठ और ओष्ट, तो कंठोष्ट। ए तो कंठ से हो गया, उ ओष्ट से हो गया, तो कंठोष्ट हो गया। इसके बाद में आता है वह होता है दंत ओष्ट या
यूं कह सकते दंतोष्टे, केवल वह और बाद में है बसता है, केवल है ये स्वर यंत्र, इसका उच्चारण स्थान होता है, और जो आपकी घंटी होती है ना गले के अंदर घंटी, जिसे अलजीवा या काकल्य बोलते हैं, है का उच्चारण आधुनिक नियमों के अनुसार स्वर यंत्र से और काकल्य से माना गया है। तो बिल्कुल सीधा सा, कंठ तालु मुर्दा दंत ओष्ठ, ए आ क वर्ग ई ई च वर्ग यस री ट वर्ग रस त वर्ग लस उ ऊ प वर्ग, और पांचों हर एक प्रत्येक वर्ग के आखिरी अक्षर हो गए ये नासिका से, ए आई हो गया आपके कंठ तालु, ओ औ हो गया आपके कंठोष्ठे, वह हो गया दंतोष्ठे, और है हो गया स्वर यंत्र से। शुक्रिया दोस्तों।